एआरटीओ ऑफिस फतेहपुर दो दलाल की रिश्वतखोरी की करतूत का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जमकर वायरल हो रहा, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बिना सुविधा शुल्क के एआरटीओ ऑफिस में आप कोई काम नहीं करा सकते। यदि कोई भी व्यक्ति ऑफिस जाकर अपना काम खुद कराना चाहते हैं तो उसके प्रार्थना पत्र में 10 गलतियां निकाल उसे इतना परेशान किया जाता है कि अंत में वो व्यक्ति चढ़ावा चढ़ा अपना काम करा लेता है। प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, आप बिना सुविधा शुल्क दिए काम नहीं करा सकते, लेकिन जैसे ही आप दलाल की शरण में गए आपके सारे कागजात पूरे कर आपका झट से काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार रिश्वतखोरी का वीडियो आया है, इससे पहले भी न जाने कितनी दफ़ा ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। तभी एआरटीओ ऑफिस के कर्मचारी हों, अधिकारी हों या दलाल, वो इतने मनबढ़ हो चुके हैं कि आप सीधे काम करा ही नहीं सकते। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर चाहे जितना कड़ा रुख किए हों, लेकिन फतेहपुर के एआरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी वजह से फतेहपुर जनपद बदनाम होता है। सक्षम अधिकारी हाथों में हाथ धरे बैठे हैं। बताते चले एआरटीओ ऑफिस में डीएल बनवाने के लिए रोज लगभग 200 लोग पहुँचते हैं। ऐसे में 200 आदमी का मानक लगाकर जोड़ते हैं तो 10,000 प्रतिदिन की उगाही सिर्फ एक पटल से होती है। ऑफिस में कई पटल हैं जिनमें बैठे बाबू लोग अपने दलालों के माध्यम से वसूली भाई बन महीने में लाखों की अवैध वसूली करते हैं। अब सोचनी यह है कि पटल सहायक और दलाल का ये रिश्ता क्या कहलाता है। सूत्रों के मुताबिक हर पटल सहायक ने अपने अपने खास दलाल पाल रखे हैं जो हर सीट का शाम को ऑफिस के अंदर और बाहर का हिसाब करते हैं। आश्चर्य यह है कि हर दिन एक ही ऑफिस में आने जाने वाले प्राइवेट आदमी के ऊपर आखिर एआरटीओ क्यों मेहरबान है। विभाग में कुछ ठेके के कर्मचारी भी हैं और इन्हीं द्वारा वसूली कराई जाती है। जब कोई मामला बढ़ता है तो यहीं के ठेके के बाबू पटल सहायक सारा भार अपने ऊपर लेते हैं। अगर आप वायरल वीडियो को गौर से सुनेंगे तो पता लगेगा दलाल ने डीएल के 1,000 रुपये सिर्फ इस बात के बढ़ा दिए क्योंकि जुलाई में फतेहपुर के डीएम ने एआरटीओ ऑफिस में छापा मारा था। कई दलालों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। अब सवाल यह है कि ये दलाल कहना क्या चाहता है। क्या डीएम की वजह से डीएल बनवाने का पैसा 1,000 बढ़ा दिया, मतलब क्या डीएम ने एआरटीओ ऑफिस से पैसा मांगा। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं साल भर में ये बाबू लोग दलालों के माध्यम से कैसे करोड़ों की वारे न्यारे करते हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इन अवैध पैसों की कितने लोगों पर हिस्सेदारी होती होगी। क्या इस अवैध कमाई के बारे में बड़े अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है या फिर जान करके अनजान बैठे हैं। साउथ दिखा है क्या? जो अंदर बैठता है। हाँ हाँ हाँ। आज की डेट में तो साउथ दिखा रुकी। आज तो हमें नहीं देखा। ये बताइए लाइसेंस बनवाना किससे बनवाऊं? कल हम आए नहीं थे तो कल तो कोई बात ही नहीं। लाइसेंस बनवाना किससे बनवाऊं? नया बनना है कि रिन्यूअल? दोनों करना है। नया है भी, नया है भी। हाँ मतलब नया भी एक बनवाना है, हाईवी भी करवाना। मतलब नया किसी दूसरे का? हाँ दूसरे का। एक हाईवी कराना? हाँ एक अपना हाईवी करवाना है। क्या नाम है? हमारा नाम है संदीप। संदीप कहाँ रहा था? नहीं फतेहपुर में। कहाँ रहा था? लाला बाजार। चलो हम भी लोग ले गया विदेश का नाम पता कटा चौराहा जानते हो? हाँ हाँ हाँ। बस वहीं रामा श्यामा मेरे जान है कब्रिस्तान, बस उसी के पीछे। तो वहाँ तुम बराबर आते जाते रहते हैं। किससे क्या करें, क्या क्या लगेगा उसमें? भाई देखिए आपका तो रिन्यूअल होगा। हाँ हमारा हाईवी। हाँ हाईवी हाईवी बनवाना है। बनवाना? हाँ। दो पहिया चार पहिया है? चार पहिया भी है और बड़ी गाड़ी भी है। हम चार पहिया भी चला लेते, ठेला वगैरह सब चला लेते हैं। डीएल अभी दो चीज़ का है। हाँ हाँ। दो पहिया चार पहिया। हाँ बन जाएगा वो हाई, जो जिसका नया बनना है। हाँ। वो उसका तो नया बनेगा पूरा। उसका आधार मोबाइल से लिंक है कि है? सब है, है? सब है भाई, लिंक होना चाहिए तो तभी आगे सब है। सब है सब है सब काम हो जाए। हाँ यदि पप्पू भाई से काम करवा चाहो या तो उन्हें नहीं चाहो, जो हमको खर्चा लिमिट बराबर बताएगा उसी काम कराएंगे भाई। दे देखिए देखो हम साइन वाइन ना पर साइन कर दे पढ़ाई लिखा ज़्यादा टेस्ट ना देखे हुए साइन हम टेस्टिंग नहीं दे पाएंगे। टेस्टिंग की बात नहीं करते हैं, साइन तो कर लेते हो। अरे वो सब कुछ पढ़े लिखे और वो जो वो भी सब हाई स्कूल इंटर बी एस पास है। जब साइन कर लेते हो तो काजू टेस्टिंग वाला मामला। टेस्टिंग नहीं होगी। हाँ तो वही तो मैं पूछ तभी तो सबको कहो तो कर लिया मैं लाइन में लगे रहूँ। हमको एक बार बता दो इधर जब यहाँ हो जाए तो पीछे जाके फोटो खिंचा के प्लेट में साइन करके चले आना, फार्म जमा कर लेगा वो। हाँ इसको ले लेगा बेटू, तुम आगे जाओ तुम्हारा काम जल्दी होगा। जाओ यहाँ के लग लाइन में जाओ, आगे जाओ देव जाके होगा। तो हमको ऐसा बताओ ताकि हम बाबा दौड़ें। भाई देखिए रिन्यूअल में तो आपका रिन्यूअल है। अच्छा यहाँ जाना
रिन्यूअल में तो एक ही व्यापार का है काम, उनका काम होगा दो बार, एक बार उनकी लर्निंग भी बनेगी पहले, फिर उसके बाद एक महीने बाद जब वो बनेगा कार्ड तब उनको इसी तरह जैसे ये लोग खड़े फोटो खींचने आने पड़ेगा, वो उसके लिए 5 मिनट का टाइम 10 मिनट का चलो हो जाएगा। और आपकी लर्निंग आपकी भी बनेगी, चूँकि मामला हाईवे का है तो लर्निंग में भी आपको भी नहीं आना, आपको जब कार्ड इंडोज होगा तब आना। अच्छा पता चल जाए, देखिए लर्निंग में तो अभी 3000 जमा होगा फिलहाल, जो इतने समय रेट चल रहा है आप वाला, आप वाला रेट बढ़ गया है, आपको पहले बता दिए हैं, वो चाहे हमसे कराओ चाहे जैसे नहीं नहीं उस सदी को हम एक आदमी से करवाएंगे जैसे करवाओ, आप ये समझ के चलिए 12,500-13,000 रुपये लगेगा पूरा, मैं लर्निंग से 3,000 पहले जमा हुई, बाकी शेष रकम एक महीने बाद वाले। हाँ इकट्ठा हम लोग नहीं चाहिए, लाइट वाले में आप ये हमको लाइट परमानेंट और लर्निंग सब साथ ही बता दो, कब आप बताओ तो भड़क गई हमारे ऊपर है, अगर इसको बार बार बताएंगे तो भड़क जाएगा नहीं, एक बार में अच्छा बता दे उसका रेट आपका तो हमने बता दी, हाँ उसका 5,500 रेट चल रहा है, 1,000 बढ़ गया जब से डीएम छाप महीना था, और कहा अरे उस दिन लाइसेंस बनवा लिया 1:30 धाम दिए हम यहीं लइए जाना बनवा रहे हैं, हम अब कागज खोच रहे हैं, हम कहा चुपचाप खड़े रहो एक्शन न लो, इधर उधर चेक करी थे हम चुपचाप लइए जाना बनवाए मोटरसाइकिल से, लाइट वाले कितना पैसा ले लें परमानेंट के लिए पूरा, इधर आइए थोड़ा। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, काम करवा थोड़ी बना देगा, आप उससे भी कुछ लेना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं हमें सुनना चाहिए, सब दोस्ती यारी मामला तो फिर हमने जो कहा वो फिर 5,500 का मतलब लाइट वाइट सब पूरा परमानेंट मिल जाएगा, लर्निंग और लाइट 5,500 में, पहले लर्निंग बनेगी OTP उसको बताना पड़ेगा, वो सब कर लेगा, खाली गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी को नहीं चला पाता तो काम तो हो जाएगा, हमारे वो विश्वास हो तो आगे काम बढ़ाइए बस ठीक, तो भी तुम आप नाम बता दो तो पूछ लेंगे जब ना मिलो पप्पू भाई। हाँ और जब रोड से आओगे उधर तो पहली दुकान लोहे का जीना लगा ऊपर चले आइएगा, तो हम बैठे हैं आलोक भाई बैठे हैं, दो भाई हैं वो कंप्यूटर चलाता है, मेरा काम भाग दौड़ का। चलिए ठीक है, तो कल आपको आएंगे फिर कल लेकर मुझसे आ जाइए, हम आपको नंबर दे देंगे। ठीक ठीक है ठीक ठीक, कल आएंगे, कल आप हमारा काम करवाएगा उनसे आप नहीं भैया, हमें इनके उनके हमको कुछ मालूम ही नहीं है, हम असल में हैं कानपुर के। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम रहने लगे, यहाँ पे कम से 5-6 साल से रह गए, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी भी मई यहाँ बनवा पाके कानपुर में, मेरे भैया की ससुराल है नवस्था, मछरिया जानते होंगे आप। हाँ चलिए ठीक है भैया, हम कल बताइएगा। अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात क्या है, संदीप भाई? हाँ संदीप भाई सर।